गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है, अपना चैप्टर नंबर 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण, जिसको हमने कल से स्टार्ट किया था, और आज हम इस चैप्टर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत ही ज़्यादा शानदार आपके लिए होने वाला है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, ध्यान से सुनते हो जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल बात करते हैं और उसके बाद अपनी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हुए जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना भाई। यदि आपकी बॉडी में फ्लूइड नहीं है ना, कोई भी द्रव नहीं है, तो आपकी बॉडी कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड जो होता है ना, फ्लूइड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जितने भी पदार्थ होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह, या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, या हर कोशिका तक पहुंचाने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? फ्लूइड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो चलिए, तो कल तक हमने कुछ बातें कर ली थी वहाँ पे, जैसे हमने बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, ये कुछ पढ़ा था। ठीक है, अब हम आज, आप हेडिंग लगाइए सबसे पहले, रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र हेडिंग लगाइए। ठीक है, और इसके बारे में लिखते हुए चलना भाई। सभी ने हेडिंग लगा ली, रुधिर परिसंचरण तंत्र। देखिए, शरीर द्रव का तो हमने कर लिया था, परिसंचरण तंत्र देख लिया था, तो अब हम है ना रुधिर परिसंचरण तंत्र लिखिए। इसमें विलियम नोट पॉइंट बनाना है आपको। विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट हैं, विलियम हार्वे लिखना इसमें। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की, विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र के जो खोजकर्ता थे, इसके बारे में एक्सप्लेन जिसने किया था, बताया जिन्होंने था, वो थे विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की। लिख लिया पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। अंडरलाइन करना एंजियोलॉजी को, है ना। रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है, और इसकी खोजकर्ता कौन थे भाई? विलियम हार्वे। ठीक है, चलिए, अब आप एक हेडिंग लगाएंगे डायरेक्ट, रुधिर, जिसके बारे में आज अपने को इम्पोर्टेंट रूप से पढ़ना है, जिसको आप बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लड। तो हालांकि देखो, रुधिर परिसंचरण तंत्र में तीन मेन ऑर्गन होते हैं, या तीन भूमिका निभाते हैं। पहला होता है कौन? हार्ट। दूसरा है ब्लड, एंड एक है ब्लड वेसल्स। देखिए, जो आपका पूरा रुधिर परिसंचरण तंत्र है ना, उसके तीन मुख्य सिस्टम होता है, मतलब तीन साधन होते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र में। एक तो होना चाहिए हार्ट, एक ब्लड वेसल्स, और एक ब्लड यानी कि आप लिक्विड तरल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मिलकर आपका पूरा एक रुधिर परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। तो हम मोस्टली बात करते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड हेडिंग लगा ली, रुधिर, इसके बारे में अपने को पढ़ना है भैया ना, लिखते हुए चलना।
रुधिर एक पर मैं बोल ही देता हूं, आप लिख लेंगे, ठीक है, लिखिए, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, लिख लिया, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका पीएच 7.4 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रुधिर का जो पीएच है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के भार का 7 से 8% रक्त उसके शरीर में होता है। अर्थात 5 से 6 लीटर ये एवरेज मान है, ठीक है, 5 से 6 लीटर। महिलाओं में थोड़ा कम होता है, 4 से 5 लीटर होता है महिलाओं में, ठीक है। तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के भार का 7 से 8% रक्त उसके शरीर में होता है, लगभग 5 से 6 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। अंडरलाइन करना हीमेटोलॉजी को। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको याद करने हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल से पॉइंट है ये। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट, रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए ब्लड के बारे में। एक बार मैं इसको आपको समझाता हूँ, फिर इसके बाद हम अगले अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे, ना? नोट कर लिए होंगे सभी ने? नोट कीजिए इन चारों पांचों पॉइंटों को। चलिए, लिख लिया होगा सभी ने, ना? सुनिए भाई, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुनो, मतलब हमारा जो चैप्टर है वो परिसंचरण तंत्र पे है, तो हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसको आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि जो विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र की क्या की थी? खोज की थी। हालांकि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं आपसे ऐसे नीट वगैरह में, ठीक है। और रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन होता है, मतलब साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टडी करते हैं ना, हम उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई? एंजियोलॉजी, ठीक है। अब हम मोस्टली अपने बात करते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है, ब्लड के बारे में, क्योंकि जो अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसमें मेन रूप से 3 पार्ट होते हैं। एक ब्लड होना चाहिए, एक पंपिंग सिस्टम हार्ट होना चाहिए, और एक कैरिंग करने के लिए आपके पास ब्लड वेसल्स होने चाहिए। यही 3 चीज़ होनी चाहिए ना एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है। तो लिसन टू मी, ये जो ब्लड है रुधिर,
अब रुधिर क्या चीज़ है वो सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है बोलिए? संयोजी ऊतक, जिसको आप कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। हालांकि हम अपने सिलेबस में कंप्लीट रूप से संयोजी ऊतक का अध्ययन चल रहा है अपना, ठीक है, ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊतक हमारी बॉडी में बहुत टाइप के होते हैं, उनके हम एक्सप्लेन करेंगे। सुनना, कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जो बहुत सारे ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, या उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो रुधिर जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। पहला क्वेश्चन तो यही है, देखो आपसे पूछ लेता है वो कि रुधिर किस प्रकार का संयोजी ऊतक है, तो आपका आंसर है लिक्विड फॉर्म का, यानी कि तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। नेक्स्ट, इस रुधिर का जो पीएच होता है ना वो 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है, ठीक है, एग्जैक्ट माने ये 7.4, ठीक है भाई। चलिए, तो 7.4 इसका पीएच होता है, किसका? ब्लड का। ये अपने को याद ही करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के भार का, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के भार का लगभग 7-8% उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है? रक्त होता है। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि भाई एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति हम उसको मानते हैं जिसकी हाइट लगभग 6 फीट हो और उसका वजन कितना हो? 70 kg। कितना हो? 70 kg। अब सुनना, ऐसे नहीं है कि भाई वजन का 7-8% कि किसी का भाई 125 kg वजन है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत 8-9 लीटर के करीब ब्लड होगा, ऐसा नहीं है। मतलब क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति उसको मानते हैं जिसकी हाइट भी ठीक हो और बॉडी वेट भी अच्छा हो, मतलब 70 kg वेट हो और उसकी हाइट 6 फीट हो, हम उसको एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति मानते हैं, समझ रहे ना। अब जैसे मेरा वजन भी लगभग 65-70 है पर मेरे अंदर इतना ब्लड नहीं है क्योंकि मेरी हाइट नहीं है पूरी, समझ पा रहे, समझ रहे ना आप मेरी बात को। तो बिल्कुल हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग, तब उस व्यक्ति की बात चल रही है जिसकी हाइट भी पूरी है और वजन कितना है उसमें 70 kg। तो उस व्यक्ति में उसका जो, उस व्यक्ति में जो ब्लड की मात्रा होगी ना, क्वांटिटी जो होगी ना, वो कितनी होती है? उसके वजन का 7-8% होता है। कितना होता है बोलो? 7-8%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे देखिए 70 kg का कोई व्यक्ति है, उसका 8% यदि आप निकालते हैं तो लगभग 5.6 के करीब आता है, 5.6 लीटर। तो हम कह देते हैं कि ये एवरेज एक 5-6 लीटर ब्लड की मात्रा एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की बॉडी के अंदर होती है, और वहीं महिलाओं में कुछ 1-2 लीटर वजन की ब्लड की क्या होती है? कमी होती है। हालांकि आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि महिलाओं में, आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये पूछा गया हो कि भाई पुरुष में ये कितना है और महिला में ये कितना है, ठीक है, बिल्कुल है ना। हाँ, तो आपसे एवरेज जो वजन पूछा जाए, सॉरी ब्लड की मात्रा जो यदि आपसे पूछी जाए ना, तो आपको इतना याद करना है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में उसके वजन का 7-8% क्या होता है? ब्लड होता है, जिसकी मात्रा कितनी आती है? 5-6 लीटर आती है। कितनी आती है? 5-6 लीटर। हाँ, यदि एक और मैं आपको बात बताऊं, यदि वो ml में पूछ लेता है, मिलीलीटर में, तो इसका एग्जैक्ट जो मान है ना वो 5200 ml है। कितना है? 5200 ml। ये मेडिकल का है भाई, आप 5200 ml लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये एग्जैक्ट मान है। देखो लीटर में यदि वो रेंज में पूछ रहा है तो 5-6 लीटर हो गया। क्या हो गया बोलिए? 5-6 लीटर। लेकिन यदि वो ऑप्शन आपके लिए ml में दे दे, ml में, मिलीलीटर में, तो आपका आंसर आएगा 5200 ml। क्या आएगा? 5200 ml आएगा। तो ये अपनी बॉडी में ब्लड की मात्रा है, ठीक है। अब जैसे जितना वजन कम होता है उस हिसाब से अपना, अपने अंदर ब्लड की क्वांटिटी होती है, समझ रहे ना।
चलिए अब ये तो ज़्यादा पॉइंट नहीं है कि रुधिर का जो अध्ययन होता है हम उसको क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, हीमेटोलॉजी कहते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति है वो भ्रूण की कहाँ से होती है, मीसोडर्म से होती है। अब ये मीसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मैं आपको एक बता दूँ क्या चीज़ है, सुनिए। जब भी कोई युग्मनस से एक भ्रूण का निर्माण होता है ना, और भ्रूण से ही तो एक मानव शिशु बनता है, हर जीव जो बनता है ना वो पहले युग्मनस से विकसित होता है, ये युग्मनज होता है, ठीक है। देखिए एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, ये मादा युग्मक है अंडाणु, ये नर युग्मक है शुक्राणु। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो एक कोशिका बनती है द्विगुणित, जिसका नाम होता है जायगोट, यानी कि युग्मनज, ठीक है। अब ये युग्मनज माँ के गर्भ में एक भ्रूण बनाएगा, भ्रूण। तो जब युग्मनज एक भ्रूण बनाता है ना, तो इसमें तीन परत बनती हैं। क्या बनती हैं, तीन परत, और इन तीन परतों का नाम होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म, ठीक है। और ये तीनों परत है ना, जिनको आप जनन स्तर बोलते हैं, ध्यान सुनना, ये तीनों परत जो हैं उनको हम जर्म लेयर या जनन स्तर कहते हैं। और यही वो लेयर हैं जो हमारी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स का क्या करती हैं, निर्माण करती है ना, पूरे ऑर्गन्स का। तो हमारी बॉडी के जितने भी अंग बनते हैं ना, वो इन तीन जनन स्तरों से बनते हैं। कौन कौन सी थे, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से और मीसोडर्म से, ठीक है। अब जैसे ये रुधिर है तो वो मीसोडर्म से बन रहा होगा, ठीक है, ऐसे। चलिए तो यहाँ तक की बात आपको सारी क्लियर है, ये थोड़ा बेसिक था। अब हम अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं और स्टडी करते हैं अपने रुधिर के संगठन के बारे में या रुधिर का क्लासिफिकेशन। अब एक चार्ट आपको बनाना है, सुनिए। देखो अपनी जो बात चल रही है वो ब्लड पे चल रही है, रुधिर पे चल रही है, ठीक है। तो ब्लड के बारे में अभी हमने कुछ सीखा कि भाई ब्लड हमारी बॉडी में कितना होता है, ये कैसा होता है, इसका पीएच कितना होता है, ये सारा कुछ अभी हमने पढ़ा। अब हम देख रहे हैं कि जो अपना ब्लड होता है ना, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका संगठन क्या है, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी संरचना है या कौन कौन से जो कोशिका है या पार्ट हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपने खूब पढ़ा होगा रुधिर का संगठन, है ना। तो मैं यहाँ पे आप हेडिंग लगा लेना, रुधिर का संगठन, हेडिंग लगाइए रुधिर संगठन, और मैं इसका क्लासिफिकेशन आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये है रुधिर, कौन है भाई, रुधिर, जिसको आप ब्लड कहते हैं, ठीक है। अब रुधिर का कंपोजिशन चल रहा है, इस रुधिर में मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं इस रुधिर के। पहला है जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो है प्लाज्मा, क्या है, प्लाज्मा। और सेकंड जो पार्ट है वो होती है रक्त कणिका, खूब जानते हैं आप इनके बारे में, ठीक है। जानते नहीं जानते बोलो, अभी आपको बनाना नहीं है आरेख, अभी समझना है, मैं बताऊंगा आपको ये कब बनाने हैं, ठीक है, ठीक है। मैं पहले बनाना आपको सिखाऊंगा, यही तो आपको बात याद रखनी है, उसके बाद बनाना आप। सुनना भाई ध्यान से, अपनी बात चल रही है कि जो ये ब्लड होता है ना, ये आपको सीखना है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी बहुत सिंपल है। आपको सीखना है इसका क्लासिफिकेशन, कि जो ब्लड होता है उसका वर्गीकरण या उसका संगठन क्या है, अर्थात जो हमारा ब्लड है उसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनना भाई, सुनिए, रुधिर है, रुधिर, इसके दो पार्ट हैं या इसके अंदर दो संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, एक है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा तो होता है 55% में, 55% में, और जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो होती हैं 45%,
45% में। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया है ना कि प्लाज्मा तो होता है 55% में और ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं रेड ब्लड ब्लड कॉर्पस्कल्स वो होती हैं 45%। ठीक है, तो टोटल 100% ब्लड हो गया। ठीक है, टोटल हो गया ना। अब सुनिए, लिसन टू मी, ये जो प्लाज्मा होता है ना प्लाज्मा, ठीक है, कौन है ये प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में आपके तीन प्रकार के पदार्थ हैं मोस्टली, आप ध्यान से सुनना, तीन प्रकार के पदार्थ हैं। सबसे पहला है जल, आपको यहां तक दिख रहा है क्या बोर्ड? हाँ दिख रहा है, बहुत है ना, पूरा दिख रहा है। सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल जो है, जल ये तो होता है 92% 90 से 92% एनसीईआरटी का डेटा है। और फिर है आपका कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अब ये जो कार्बनिक पदार्थ है ना वो कौन कौन से, सुनिए, वो कार्बनिक पदार्थ हैं आपके एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और एक है आपकी फाइब्रिनोजन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये फाइब्रिनोजन। और जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना वो लगभग 6 से 8% होते हैं, लगभग 6 से 8%। ठीक है, और ये तीसरा है आपका अकार्बनिक पदार्थ, जो लगभग 1% के करीब होते हैं, 0.9 है ना, अकार्बनिक पदार्थ। इस अकार्बनिक पदार्थ में आपके देखिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन आदि प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम तो रह गया इम्पोर्टेंट, कैल्शियम, हालांकि 2+ होती है पर मैं प्लस से लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो प्लाज्मा का कंपोजिशन हुआ। अब मैं बात करता हूँ रक्त कणिका की, तो रक्त कणिका को मैं अगेन तीन पार्टों में डिवाइड करता हूँ, आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं। ठीक है, तो रक्त कणिका जो है, एक तो होती है RBC, एक होती है WBC और एक होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए, तो जो रक्त कणिका है जो आपकी 45% में, उसके तीन पार्ट होते हैं, उसमें तीन प्रकार की कॉर्पस्कल्स होती हैं, एक RBC, एक WBC और एक प्लेटलेट्स। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ WBC की, तो WBC को हमने अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, WBC को है ना, एक होता है कणिका युक्त और एक है कणिका रहित। जो कणिका युक्त है ना उसको आप ग्रैन्यूलोसाइट्स बोल सकते हैं, ग्रैन्यूलोसाइट्स, और जो कणिका रहित है उसको आप अग्रैन्यूलोसाइट्स कहते हैं, कणिका युक्त और कणिका रहित को। ठीक है, अब जो कणिका युक्त है ग्रैन्यूलोसाइट, इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, और वो है आपकी सबसे पहले न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल और लास्ट है बेसोफिल, बेसोफिल। और जो कणिका रहित होती हैं उनको हमने मात्र दो पार्ट में डिवाइड किया है, या दो प्रकार की कोशिका होती हैं, एक होती है इम्पोर्टेंट मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट।
ठीक है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ बोर्ड पे, दिख रहा है आपको पूरा? अरे क्लियर दिख रहा है पूरा, है ना। चलिए तो भाई सुनिए, ये जो आपको क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहा है ना, वो पूरे रुधिर का वर्गीकरण है। क्या है? रुधिर का वर्गीकरण है ना। तो एक बार आप इस वर्गीकरण को लिख लीजिए, पहले बनाना है आपको, फिर 5-6 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, 5 मिनट का, 5 मिनट में इसको छाप लीजिए अपनी किताब में, नोटबुक में छाप लियो, छाप, ठीक है। ढंग से बनाना है बिल्कुल, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है आपको, फटाफट बनाओ, 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ बस। ये क्लासिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सभी पे इसको बनाना आना चाहिए, आपको सिखाऊंगा मैं अभी। बना लिया होगा सभी ने शायद,
ठीक है। चलिए भाई अब जरा ध्यान से सुनिए इन पॉइंटों को, इस पूरे रुधिर के क्लासिफिकेशन को हम एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं इसके बारे में क्या क्या पॉइंट हैं और क्या चीज़ है, और उसके बारे में फिर हम थ्योरेटिकल बात करेंगे ना। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका ब्लड होता है ना, रक्त जो होता है ना, रक्त, उस रक्त के यदि कंपोजिशन की बात हो, अच्छा कंपोजिशन मैंने आपको कई बार बताया है, कंपोजिशन बोलते हैं संगठन को। संगठन का मतलब कि आखिर ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसे ही तो कंपोजिशन बोलते हैं ना, समझ पा रहे हैं, उसी को कंपोजिशन बोलते हैं। तो सुनिए, हमारा जो ब्लड है ना वो टोटल, अरे भाई ब्लड जो है ना, ब्लड उसको आप 100% मानेंगे तो इस ब्लड में मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है प्लाज्मा और एक होती हैं रक्त कणिकाएँ। एक तो है प्लाज्मा और एक है रक्त कणिकाएँ, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है ना वो 55% में होता है, कितने मात्रा में, 55%, और जो रिमेनिंग जो रक्त कणिका है वो 45% में होता है, कितने में बोलिए, 45%। इतनी बात समझ में आ गई, प्लाज्मा तो 55% में और रक्त कणिकाएँ 45% में होती हैं ना। पहला क्वेश्चन तो ये है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि रुधिर में कौन सा भाग ठोस है और कौन सा भाग तरल है, तरल, ठीक है, या रुधिर के तरल भाग को आप क्या कहते हैं और रुधिर के ठोस भाग को आप क्या कहते हैं, तो सुनिए आपको बता दूं मैं कि जो ये प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा ये रुधिर का लिक्विड वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है बोलिए, लिक्विड वाला पार्ट। इसको मैं मैट्रिक्स यानी कि आधात्री भी कह सकता हूँ। कहीं शब्द यदि आपको मिले ना मैट्रिक्स या आधात्री, तो समझ लेना आप लिक्विड फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना है, एक भी पॉइंट अपने से नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल, क्वेश्चन कहीं से कैसे भी पुटअप हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या था कि भाई रुधिर के अंदर जो प्लाज्मा और ब्लड सेल हैं, कॉर्पस कल्स हैं, इनमें लिक्विड कौन सा है और सॉलिड कौन सा है। तो तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा और ठोस भाग को कहते हैं रक्त कणिका। बोलिए ठोस होंगी कि नहीं होंगी भाई, अरे रक्त कणिका है भाई, ये तो ठोस होंगी, ये कोई लिक्विड थोड़ी है। ब्लड कॉर्पस्कल्स रक्त कणिकाएँ ठोस थोड़ी हैं, ये तो मतलब लिक्विड थोड़ी है, ठोस हैं ये। बोलिए ठोस होती है कि नहीं होती, है ना। और जो हमारा प्लाज्मा है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, कैसा होता है, लिक्विड यानी कि तरल होता है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि रुधिर के तरल भाग या रुधिर के मैट्रिक्स भाग को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर है प्लाज्मा, और जो रुधिर का ठोस भाग होता है ना उसे आप कहते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि रक्त कणिकाएं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये पहला क्वेश्चन बना कि रुधिर के ठोस भाग को तो कहते हैं रक्त कणिका और तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब सुनिए मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा बताऊँ। देखिए ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है भाई, ये आपकी ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनी है। तो पता है इसमें क्या होता है, इस पूरी ब्लड वेसल्स में ना ऐसे प्लाज्मा भरा होता है, ये प्लाज्मा है, क्या है ये प्लाज्मा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका प्लाज्मा है वो हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल है, कैसे रंग का बोलिए, हल्के पीले रंग का। तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि साहब ये प्लाज्मा फिर होता कहाँ है, हमने तो कभी नहीं देखा पीले रंग का कोई पदार्थ। समझ पा रहे आप मेरी बात को कि सर हमने तो कहीं भी कोई पीले रंग का पदार्थ नहीं देखा, फिर ये प्लाज्मा कहाँ होता होगा, ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं, ठीक है। तो लिसन टू मी केयरफुली, मैं आपके इस कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ, सुनना। आपकी ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है,
और इसमें क्या प्रवाहित हो रहा है, बोलिए रक्त, रक्त प्रवाहित हो रहा है ना। तो जब आपकी ब्लड वेसल्स फट जाती है या नष्ट हो जाती है, टूट जाती है या कहीं भी कट लग जाता है, तो इससे ब्लड बाहर निकलता है और वो ब्लड कैसा होता है आपका, रेड रंग का। कैसा होता है बोलिए, रेड रंग का होता है ना। फिर ये प्लाज्मा कहाँ गई, ऐसे सोचते हैं कि साहब ये प्लाज्मा कहाँ है, हमें तो नहीं पता ये कहाँ होती है। अरे भाई प्लाज्मा पार्ट किसका है, ब्लड का ही तो पार्ट है, तो कहाँ होनी चाहिए प्लाज्मा, आपकी ब्लड वेसल्स में होनी चाहिए, ठीक है। और मैं अभी क्या कह रहा हूँ कि आपकी प्लाज्मा तो हल्के पीले रंग की होती है, लेकिन हमने तो साहब कभी भी पीले रंग का कोई पदार्थ नहीं देखा, फिर ये प्लाज्मा कहाँ है। तो सुनिए एक छोटा सा कंसेप्ट है इसका, सुनिए देखो कैसे सिस्टम होता है। ये आपकी रक्तवाहिका है ना, ठीक है। इस रक्तवाहिका में ये प्लाज्मा भरा हुआ है, लेकिन इसमें आपकी ब्लड वेसल्स ब्लड कार्पस्कल्स भी तो होती हैं, होती है ना ब्लड कार्पस्कल्स। अरे रक्त कण का और प्लाज्मा मिलकर ही तो टोटल क्या बनाते हैं, ब्लड। टोटल ब्लड का क्या मतलब है बोलो, टोटल ब्लड आप किसको बोलते हैं, टोटल रक्त हम उसको बोलते हैं जिसमें प्लाज्मा प्लस रक्त कण का हो, बोलो उसको बोलते हैं ना, जिसमें प्लाज्मा प्लस क्या हो, रक्त कण का हो। अब सुनो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये आपकी एक ब्लड वेसल्स है, तो इस ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो इस ब्लड में आपकी प्लाज्मा भी है और आपकी ब्लड सेल्स भी हैं, ठीक है, रक्त कण का कॉर्पस्कल्स। तो सुनिए जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी, ठीक है, इस पूरी कॉर्पस्कल्स में 99% कॉर्पस्कल्स होती हैं, 45% तो होंगी क्या रक्त कण का। अब उन 45% को यदि हम 100% माने, रक्त कणकाओं को 100% माने ना, तो उनमें से 99% आपकी आरबीसी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, है ना। और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की वजह से आपके रक्त का रंग कैसा हो जाता है, लाल। मतलब आपकी जो ब्लड सेल्स है ना, आरबीसी जो हैं, वो हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर की हो जाती हैं, और अधिकांश भाग इसका रेड ब्लड सेल्स का बना हुआ है। हालांकि प्लाज्मा ज़्यादा है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो उसकी वजह से आपका पूरा जो रक्त है ना, वो कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। लेकिन आपके इस ब्लड में कौन भी प्रेजेंट है, पीले रंग की प्लाज्मा, समझ गए। यदि मैं इस ब्लड में से टोटल आरबीसी को निकाल दूं, सुनना मेरी बात को, यदि मैं इस ब्लड में से टोटल आरबीसी को यदि निकाल देता हूं ना, तो आपके पास प्लाज्मा बचेगा, क्या बचेगा बोलिए, प्लाज्मा। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि आखिर हमें जो ब्लड वेसल से निकलता हुआ रक्त है वो लाल ही दिखाई देता है। तो हम सोचते हैं कि यार साहब ये प्लाज्मा तो आप पीले रंग का बता रहे हैं, ये कहाँ होता है पीले रंग का। तो अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया इसका पीछे क्या सिस्टम है, कि ब्लड वेसल्स में ये आपका रक्त है, अब रक्त का रंग लाल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें प्लाज्मा नहीं है पीले रंग का। आपको पीले रंग का प्लाज्मा इसमें दिखाई नहीं देता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी है, और आरबीसी का रंग कैसा होता है, ज़्यादा चटक लाल होता है, उस वजह से ये पूरा की पूरा जो है हमें रेड कलर का दिखाई देता है, समझ रहे। अरे भाई देखो पीले रंग का कोई पदार्थ है, यदि आप उसमें थोड़ी सी मात्रा रेड कलर की मिला देंगे ना, तो अब बोलो वो रेड कलर का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए मुझे, हो जाएगा ना रेड कलर का। अब उसमें से आप रेड कलर को बाहर निकाल लीजिए, रेड कलर को, तो फिर से वो कैसा हो जाएगा, पीले रंग का। तो सेम कंसेप्ट अपने ब्लड वेसल्स के साथ है यहाँ पे, है ना। तो जो हमारा प्लाज्मा है वो पीले रंग का है ना, तो इस ब्लड वेसल्स में आपकी प्लाज्मा भी है और रक्त कण का भी है, समझ गए अब बात को। लेकिन वो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें आरबीसी हैं जो लाल रंग की होती हैं, और वो पीले रंग को क्या है, छिपा देती हैं बस। लेकिन यदि हम अपने ब्लड में से टोटल आरबीसी को निकाल लेंगे,
तो पूरा जो ब्लड है वो आपका पीले रंग का निकल के आएगा, क्योंकि वो कौन है, प्लाज्मा है। कौन है वो? प्लाज्मा। और WBC और उनका कोई रंग होता ही नहीं है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सिस्टम होता है भाई ब्लड का। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो मैं प्लाज्मा के बारे में आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, बोलो होता है नहीं होता? ठीक है, जो 55% में होता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सुनिए। अब प्लाज्मा का भी कंपोजिशन होता है, कि जो प्लाज्मा है इसका संगठन बताइए। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूप से आपको ये समझना है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा ये आपको समझना है। देखिए कैसे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आप इसको नीट करके लिख लेना भाई, नीट करके लिख लेना आप इस पॉइंट को। इस पॉइंट को क्या पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये NCERT बुक का डेटा है, 90-92% जल क्वेश्चन आता है कि आपके प्लाज्मा में कितने परसेंट जल की मात्रा होती है, आपके प्लाज्मा में कितने परसेंट जल की मात्रा होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एक राइट ऑथेंटिक एग्जैक्ट आंसर होगा, सर 90-92% जल की मात्रा हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फुल नेट एग्जाम। ठीक है भाई, तो आपको ये क्वेश्चन याद रह जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्लाज्मा पढ़ रहे हैं और हम प्लाज्मा का कंपोजिशन देख रहे हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्लाज्मा में 90-92% तो टोटल अकेला क्या होता है, जल होता है। क्या होता है? जल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, और आगे भी बनता रहेगा, तो इसको अच्छी तरीके से याद करना है आपको कि प्लाज्मा में 90-92% किसकी मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है। चलिए आगे, अब आगे और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है इसके पास, वो क्या है, वो है कि इसके पास 6-8% होते हैं कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक, सुनिए, देखिए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जितने भी आपके मिनरल्स हैं, जो आपने तत्व पढ़े हैं, वो सब की सब आपके क्या होते हैं, बोलिए, जो आपके मिनरल्स हैं, तत्व हैं, वो आपके क्या हैं, अकार्बनिक पदार्थ। और जो कोई और इनसे मिलकर बना हुआ है, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन, जो भी हैं, वो सब की सब होते हैं कार्बनिक पदार्थ, जिसमें कार्बन का अहम रोल होता है। ठीक है, तो सुनिए, ये जो कार्बनिक पदार्थ है ना, ये तीनों की तीनों है प्रोटीन। कौन है ये? प्रोटीन है ये, तीनों की तीनों कौन है भाई? प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। ये तीनों की तीनों प्रोटीन हैं जो आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, बोलिए, प्लाज्मा के अंदर। अब इनका तीनों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य। अब वो इम्पोर्टेंट कार्य क्या, सुनिए, जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन है ना, जो एल्ब्यूमिन है ना, वो हमारे लिए क्या करता है, परासरण संतुलन करता है। परासरण संतुलन, जो परासरण दाब है ना, परासरण दाब, उसका संतुलन करता है एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर एल्ब्यूमिन। सुनना भाई ध्यान से, एल्ब्यूमिन, पहले तो आप यूँ याद रखो कि प्लाज्मा में 90-92% तो क्या होता है, जल होता है। कितना होता है? 90-92% जल होता है, और 6-8% होते हैं इसमें कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? तीन कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि प्रोटीन है, एक एल्ब्यूमिन है, एक ग्लोब्यूलिन है और एक फाइब्रिनोजन है। तीनों का ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, ध्यान से सुनना अब आप बात को। सुनिए, जो एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन नाम की, ये वो प्रोटीन है जो हमारे रक्त की परासरण दाब के संतुलन बनाए रखती है ना, या परासरण संतुलन का कार्य करती है। अब परासरण और जो विसरण है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बात बता देता हूँ, है ना, कि जो
ब्लड वेसल्स है, रुधिर वाहिनी, और जो हमारे ऊतक होते हैं उनके बीच जल का जो आदान प्रदान होता है ना, उसको मेंटेन करके रखता है ये एल्ब्यूमिन। क्यों? अरे भाई, यदि बाई चांस सांद्रता कम हो गई तो हो सकता है आपके ब्लड वेसल से जल बाहर निकलकर, क्योंकि आपके ब्लड वेसल्स में जो प्लाज्मा है ना, उसमें 90-92% जल है, तो हो सकता है ये जल बाहर निकलकर हमारे ऊतकों में प्रवेश कर जाए, तो जिससे उनमें सूजन आ जाती है और हमारे शरीर जो है वो फूल जाता है एक्स्ट्रा पानी की वजह से। ठीक है, तो कहने का मतलब है परासरण सांद्रता को बनाए रखता है एल्ब्यूमिन, जिससे ब्लड वेसल से पानी जो है वो बाहर नहीं निकलता है एक्स्ट्रा रूप से। रिटेन वाटर इन ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है उनमें पानी हमेशा बना रहता है, बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है वो उसकी सांद्रता को बनाए रखता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है एल्ब्यूमिन का। अब एक बहुत और ज़्यादा ग्लोब्यूलिन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोब्यूलिन। तो आई विल टेल यू, लिसन टू मी, याद कीजिए, आपने 10th क्लास में शायद ये चैप्टर 4 चौथे नंबर का था, चैप्टर नंबर 4, मुझे पता नहीं ये कोविड की वजह से हटाया नहीं हटा, सुनिए, उसमें आपने सुना था ना ग्लोब्यूलिन्स, जिसको आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, जो कैपिटल वाई आकृति की एक संरचना थी, याद है आपको? सुनिए, तो वही ग्लोब्यूलिन्स हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये तीन प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा। सुनिए, इन तीनों पदार्थों का निर्माण है ना हमारा यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। लेकिन ये जो ग्लोब्यूलिन है ना, इसकी दो इकाइयाँ अल्फा बीटा, उनको तो यकृत बनाता है, लेकिन जो गामा ग्लोब्यूलिन है जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसका फॉर्मेशन WBC की प्लाज्मा सेल्स करती हैं। हाँ, मतलब प्लाज्मा सेल्स करती हैं ग्लोब्यूलिन। सुनना मेरी बात को, एल्ब्यूमिन तो हो गया जो परासरण सांद्रता को बनाए रखेगा। ठीक है, ये काम है, लिखाऊंगा, हालांकि मैं इनको सबको लिखाऊंगा, फिलहाल आप समझ लीजिए। अब ये जो ग्लोब्यूलिन आपको दिख रहा है ना, ग्लोब्यूलिन, इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं। सुनिए, ग्लोब्यूलिन्स वो प्रोटीन है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है, प्रतिरक्षा तंत्र। आपने सुना भी होगा, वहां पर पढ़ा भी होगा कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जो प्रतिरक्षी अणु जिसको कहते हैं, तो ये ग्लोब्यूलिन वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। मैं कह सकता हूँ एक प्रकार से ये एंटीबॉडी बनाती है हमारे लिए। क्या बनाती है? एंटीबॉडी, एक प्रकार से एंटीबॉडी है ग्लोब्यूलिन, जो हमारे अंदर प्रतिरक्षी बनाती है। प्रतिरक्षी अणु तो है, एंटीबॉडी नहीं बोलते। अरे एंटीजन और एंटीबॉडी पढ़े, एंटीजन तो बोलते हैं प्रतिजन को और एंटीबॉडी बोलते हैं प्रतिरक्षी को। एंटीजन आप उसको कह सकते हैं जो हमारी हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं और हमें बीमार करते हैं, और एंटीबॉडी आप उसको बोल सकते हैं जो एंटीजन को मारने का कार्य करे। समझ गए? तो उसको मारने का कार्य करती है ग्लोब्यूलिन। इसका पूरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि 5 टाइप की होती हैं, आगे सिलेबस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ग्लोब्यूलिन नाम की प्रोटीन है, किसके अंदर है? प्लाज्मा के अंदर। ये आपके लिए क्या काम कर रही है बोलो? आप बोलेंगे सर ये हमारे लिए ना प्रतिरक्षा प्रदान कर रही है। क्या प्रदान कर रही है? प्रतिरक्षा। और एक बहुत नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बोलिए? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अब अरे ये तो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, जब मैंने आपको यकृत के कार्य बताए थे, यकृत के कार्य, तो यकृत के कार्यों में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के जो स्कंदन कारक फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, बताया था ना इनके बारे में। तो फाइब्रिनोजन एक ऐसी प्रोटीन है जो रुधिर स्कंदन में क्या करती है? सहायता करती है, स्कंदन में मदद करती है। बोलो करती है कि नहीं करती? अरे रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती है ना फाइब्रिनोजन। अब ये फाइब्रिनोजन है तो फाइब्रिनोजन, अब बोलो ये निष्क्रिय के एक्टिव है? आप मुझे कमेंट में बताना, कमेंट बॉक्स में, कि फाइब्रिनोजन निष्क्रिय है या सक्रिय, मुझे कमेंट करके आप बताना। ठीक है, तो सुनिए,
फाइब्रिनोजन का क्या काम है बोलो? आप बोलेंगे सर फाइब्रिनोजन का काम होता है रुधिर का स्कंदन करवाना, मतलब रुधिर का थक्का जमवाना। तो ये तीन प्रोटीन हमारे किसके अंदर प्रेजेंट है बोलिए? प्लाज्मा के अंदर। और इन तीनों का इम्पोर्टेंट रोल है कि नहीं बताओ? तीनों का इम्पोर्टेंट काम है ना। एल्ब्यूमिन का काम परासरणी संतुलन बनाना, ग्लोबुलिन का काम प्रतिरक्षा प्रदान करना, और फाइब्रिनोजन का काम रुधिर का थक्का जमाने में मदद करना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये कार्बनिक पदार्थ जो 6 से 8% हैं वो आपको लर्न हो गए, पता चल गया इनके बारे में। अब जो हमारे अकार्बनिक पदार्थ हैं वो ये मिनरल्स हैं आपके, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये हमारे लिए और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करते हैं, है ना। चलिए अब सुनो भाई ध्यान से, एक जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना, एक पॉइंट सुनना कि ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा ये रक्त के अंदर होता है या रक्त का एक पार्ट है? तो सुनना भाई, जब आपके रक्त का थक्का जम जाए, पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को आप समझना, यदि आपके रक्त का थक्का जम जाए तो मुझे एक बात मुझे आप बताओ, यदि आपके रक्त का थक्का जम जाता है तो उसमें जो प्लाज्मा होगी, मतलब रक्त का थक्का जमने के बाद जो प्लाज्मा होगी, क्या उसमें फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होगा क्या? बताओ मुझे, बोलिए, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होगा क्या? सुनो मेरी बात, आपका ब्लड निकला है ना, आपने रक्त लिया, निकला क्या? आपने ब्लड लिया, चलिए ये ब्लड की बूंद ले ली, ब्लड ले लिया और इसको आपने एक किसी में डाल दिया, कंटेनर जो भी है डाल दिया, ठीक है, और इसमें आपने ऐसा पदार्थ डाला जिससे इस रक्त का क्या जम गया? थक्का, थक्का जम गया। तो एक बात मुझे बताओ, यदि यहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है तो जो प्लाज्मा होगी इस रक्त के अंदर, उसमें कौन सा पदार्थ एब्सेंट होगा? बोलिए। आप बोलेंगे सर इसमें 100% फाइब्रिनोजन नहीं होगा। क्यों होगा फाइब्रिनोजन? क्योंकि फाइब्रिनोजन ने किस में हेल्प कर दी है बोलिए? रक्त का थक्का जमाने में। किस में हेल्प की है? रक्त का थक्का जमाने में हेल्प कर दी है। अरे भाई, रक्त का थक्का जम गया और रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है कौन? फाइब्रिनोजन करता है ना, फाइब्रिनोजन। तो रक्त का थक्का जब जम जाता है ना, तो उस प्लाज्मा में किसकी कमी होती है? फाइब्रिनोजन की। और केवल कौन सी चीज़ पाई जाएगी? प्रतिरक्षी ही प्रतिरक्षी पाई जाएंगी, ग्लोबुलिन। क्यों? क्योंकि ये ब्लड सेल्स भी तो नष्ट हो जाएंगी थक्का जमने के बाद, समझ रहे ना। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे एक कारण है। सुनिए, एक परिभाषा होती है कि थक्का जमने के बाद, या मैं एक परिभाषा आपसे सीधी बोलूँ, सीधी एक डेफिनेशन आपको मैं बताऊँ कि फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका फाइब्रिनोजन होता है ना, फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को हम कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं भाई? सीरम। अब ये सीरम शब्द आपने सुना है? नहीं सुना? सुनिए, नहीं सुना तो सुनिए, सीरम वो पदार्थ है जिसमें केवल और केवल एंटीबॉडी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी। और इसी सीरम का उपयोग हम अपने इंजेक्शन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं बोलिए? इंजेक्शन के रूप में। सीरम का उपयोग किसके रूप में किया जाता है भाई? अरे जो आप इंजेक्शन लगवाते हैं ना, जिससे आपकी बीमारियां सही होती हैं, उस इंजेक्शन में ही सीरम होता है। क्या होता है वो? लिक्विड सा, जो लिक्विड सा होता है इंजेक्शन में, उसे क्या बोलते हैं? हम सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम। अब क्यों सीरम का उपयोग किया जाता है वो सुनिए, ध्यान सुनना भाई, एक बात मुझे बताओ, सीरम किसको कह रहा हूँ मैं? सीरम वो पदार्थ है जिसमें कौन एब्सेंट है? फाइब्रिनोजन। केवल प्लाज्मा है ना, तो उसमें ब्लड सेल्स है किसी भी प्रकार की, RBC, WBC, प्लेटलेट्स कुछ भी नहीं है, और कौन नहीं है? फाइब्रिनोजन। तो मुझे एक बात बताओ, इस प्लाज्मा, अरे ये प्लाज्मा का ही पार्ट है सीरम,
लेकिन कौन से प्रकार की प्लाज्मा है जिसमें कौन एब्सेंट है? फाइब्रिनोजन एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है? फाइब्रिनोजन। क्यों? क्योंकि फाइब्रिनोजन वो पार्ट है जो रुधिर स्कंदन में मदद करता है, ठीक है। तो सीरम आप कब बना सकते हैं? जब रक्त का थक्का जम जाए, तो उसके बाद जो प्लाज्मा आपके पास बचेगी उस प्लाज्मा को आप क्या बोलेंगे? सीरम। अब एक बात मुझे बताओ, आपके इस सीरम में कौन सी चीज प्रेजेंट होगी? देखो, आपका जल प्रेजेंट होगा और आपका इंपॉर्टेंट कौन प्रेजेंट होगा? ग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन कौन है? एक प्रकार की एंटीबॉडी। कौन है बोलिए? एंटीबॉडी। और आप इंजेक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? हमेशा ही एंटीबॉडी का प्रयोग करेंगे। अरे भाई, आप जब बीमार होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश किसने किया है बोलिए? एंटीजन ने। किसने? एंटीजन ने। और एंटीजन को मारने के लिए कौन चाहिए? एंटीबॉडी चाहिए। और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा में। किस में प्रेजेंट होती है बोलिए? प्लाज्मा में। क्योंकि प्लाज्मा में ग्लोबुलिन है जो आपके लिए एंटीबॉडी बनाता है। अब समस्या ये आती है कि प्लाज्मा में तो फाइब्रिनोजन भी है। समस्या ये आती है कि प्लाज्मा में तो फाइब्रिनोजन भी है, यदि हम इसका डायरेक्ट उपयोग करेंगे तो ये रक्त का थक्का जमा देगा हमारी बॉडी में, तो ये तो बात खत्म, हानिकारक बात हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि यदि हम रक्त का थक्का जमा दें कृत्रिम रूप से, तो हमें श्योर ये पता हो जाता है कि यदि रक्त का थक्का जम गया है तो थक्का जमने के बाद कुछ पीला सा पदार्थ बचता है और उस पीले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? सीरम। और हमें श्योर पता है कि अब इस सीरम में केवल और केवल कौन प्रेजेंट होगी? एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसी टेक्निक का उपयोग करके हम अपने लिए इंजेक्शन बनाते हैं। जैसे अपना एक सपोज कीजिए, घोड़ा है, घोड़ा एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, चलिए ठीक है। एक टाइफाइड रोग है, टाइफाइड जिसको आप मोती जरा बोलते हैं, तो साल्मोनेला टाइफी नाम का एक जीवाणु होता है जो हमारे अंदर टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने इसका इंजेक्शन कैसे बनाया? देखिए, हमने उस जीवाणु को प्रवेश करा दिया, मान लीजिए किसी घोड़े की कोशिका में, घोड़ा है उसकी बॉडी के अंदर हमने इसको प्रवेश कराया, मान लीजिए, सपोज कीजिए। तो जैसे ही टाइफी जीवाणु उस घोड़े की बॉडी के अंदर जाता है, उसकी कोशिकाओं को इन्फेक्ट करेगा, संक्रमित करेगा, तो उस घोड़े का प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा? उस टाइफी जीवाणु के खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। बोलो, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? 100% उस घोड़े का प्रतिरक्षा तंत्र उस टाइफी जीवाणु के खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। अब भाई, एंटीबॉडी जो घोड़े ने बनाई है वो उसके किस में प्रेजेंट होंगी? आप बोलेंगे सर प्लाज्मा में, क्योंकि एंटीबॉडी तो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होती है, मतलब उसके रक्त में होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम उस घोड़े का रक्त निकाल लेते हैं। थोड़ा बहुत रक्त निकाल लिया हमने, किस घोड़े का? जिसमें हमने उस जीवाणु को प्रवेश कराया था, क्योंकि हमें पता था कि इसके प्रतिरक्षा तंत्र ने उसके खिलाफ जरूर एंटीबॉडी बनाई होंगी। और वो एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? हमेशा प्लाज्मा में, यानी कि रक्त में। तो हमने क्या किया, उसका रक्त निकाला। अब समस्या ही क्या है कि भाई, इस रक्त में तो ब्लड कॉर्पस्कल्स भी हैं और फाइब्रिनोजन भी होगा, तो ये तो खतरनाक है, हम इसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम श्री राम, हम थोड़ा सा दिमाग यूज करते हैं कि यदि इस रक्त का थक्का जमा दिया जाए, क्या जमा दिया जाए? थक्का। तो थक्का जमाएंगे तो आपकी प्रत्येक जो कॉर्पस्कल्स है वो भी थक्का में जम जाएगी, मतलब नष्ट हो जाएगी, और आपका फाइब्रिनोजन इसमें हेल्प कर देगा, किसमें? थक्का जमाने में। तो फाइब्रिनोजन भी नष्ट हो जाएगा। अब केवल और केवल उस पदार्थ में क्या बचेगा बोलो? अरे जब आपकी पूरी ये सेल्स ही कंप्लीट खत्म हो गई और ये फाइब्रिनोजन भी खत्म हो गया, तो अब पीले रंग का पदार्थ नहीं बचेगा क्या? क्योंकि आरबीसी नष्ट हो गई है ना, और पीले रंग का पदार्थ बचा और उसमें भी क्या एब्सेंट है? फाइब्रिनोजन। तो अब मैं इस पदार्थ को क्या कह सकता हूँ? सीरम कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? सीरम। अब बोलो, इस सीरम में केवल कौन प्रेजेंट होंगी? एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी जो उस घोड़े ने टाइफी जीवाणु के खिलाफ बनाई होंगी।
समझ में आ गई बात। और इसी का उपयोग अब हम किसके रूप में कर सकते हैं, अपने इंजेक्शन के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे उपयोग किया जाता है सीरम का, ठीक है। तो क्या है सीरम, आप बोलेंगे फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को ही हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, जिसमें केवल और केवल कौन एंटीबॉडी यानी कि ग्लोब्यूलिन्स पाए जाते हैं। तो ये है आपका प्लाज्मा, इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो एक तो जल होता है 90 से 92% और इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से, तीन प्रकार की प्रोटीन, एक एल्ब्यूमिन, एक ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। तीनों के काम आपको समझ में आ गए, इनके बारे में कल आपको लिखाऊंगा। अब ये है रक्त कण का जो कि 45% में, तो हम जानते हैं कि भाई रक्त कण का तीन होती हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स। अब WBC के भी दो पार्ट किए गए हैं, एक कणकायुक्त और एक कणका रहित। जो कणकायुक्त WBC हैं वो तीन प्रकार की, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, और जो कणका रहित हैं वो दो प्रकार की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। तो कल मैं प्लाज्मा के बारे में आपको नोट्स लिखाऊंगा और फिर हम अपने RBC, WBC, प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल। तो आप इस क्लासिफिकेशन को आप जरूर एक बार प्रैक्टिस करके बनाना है भाई आपको, ठीक है।